हाय गाइस, मेरा नाम है सचिन मोदी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पे। माय डियर स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग। और ये जो शॉर्ट वीडियो है, ये जो 7 पॉइंट्स आज मैं आपको कराने वाला हूँ, ये आपके स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के हर एक पॉइंट को कवर कर देगा, जिसकी वजह से आपका स्टेटमेंट एंड अजम्पशन का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। माय डियर स्टूडेंट, हर एक पॉइंट को मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ और बहुत अच्छे तरीके से। तो आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना है और जानना है कि कैसे हम इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट जो अब आपके सामने आने वाला है वो क्या है, देखिए। सबसे पहले अगर आप मान लीजिए कभी भी अजम्पशन के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, पूर्व धारणा के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन 7 पॉइंट्स को सबसे पहले याद कर लो, अपने दिमाग में डाल लो कि क्या कह रहा हूं मैं इन 7 पॉइंट्स को। अगर आपने इसने दिमाग में डाल लिया तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं, ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं है जो आप स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के सॉल्व नहीं कर पाए करेक्टली। देखिए कैसे। सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना, दैट इज ऑलवेज रिमेंबर दैट अजम्पशन इज ऑलवेज इनडेफिनिट एंड पॉजिटिव। अज्यूम करते हैं हमेशा पॉजिटिव, हम हमेशा ये सोचते हैं जो भी चीज हो रही है इसका एक सही रिजल्ट सामने आएगा। तो अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी बात कह रहा है तो वो कभी ये सोच के नहीं कहता कि सामने वाला बंदा इसे नेगेटिव लेगा, वो हमेशा ये सोचता है ये पॉजिटिव होगा। और सामने वाला बंदा हमेशा सोचता है कि यार अज्यूम कितना भी किया जा सकता है, एनीथिंग यू कैन अज्यूम, बट वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए। अजम्पशन का ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर अजम्पशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक होता है, ये पॉजिटिव होता है। सेकंड जो पॉइंट है हमारा, दैट इज एनी अजम्पशन दैट इज कन्वेइंग द मैसेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। आप सोचिए, जब शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार किसी भी मोबाइल फोन का, साबुन का, तेल का, कंघे का अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो क्या सोच के वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं? पर वो नहीं करते, वो एडवर्टाइजमेंट कंपनी उन्हें बोलती कि आप एडवर्टाइजमेंट करो। तो कंपनी ने क्या सोचा कि जब अमिताभ बच्चन ये बोलेगा, जब अक्षय कुमार ये बात बोलेगा, जब ऋतिक रोशन ये बात बोलेगा, तो पब्लिक पे एक मैसेज जाएगा ये सही कह रहा है, राइट? तो दे आर अज्यूमिंग समथिंग कि हां, अगर कोई भी चीज का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, अगर कोई भी बात नोटिस के फॉर्म में आपके पास आती है, कोई भी अपील होती है, तो उसके ऊपर रिगार्डिंग सारे की सारे अजम्पशन पॉजिटिव होते हैं। सोचिए नोटिस क्या होता है, आपके घर पे लाइट का बिल आता है, बोलो ब्रॉडबैंड का बिल आता है, मोबाइल फोन का रिचार्ज खत्म हो जाता है, दैट इज कॉल्ड अ नोटिस कि भैया आपका एक खत्म होने वाला है, आप रिचार्ज कर लीजिए, दैट इज कॉल्ड अ नोटिस। वो एक नोटिस है, वो एक रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर इज कॉल्ड अ सेकंड टर्म, दैट इज नोटिस। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा अजम्पशन जो एडवर्टाइजमेंट या नोटिस या फिर अपील या फिर किसी भी इस तरह के पॉइंट पर बेस्ड है, हमेशा याद रखिए कहने वाले बंदे ने और बंदे तक पहुंचने वाले तक इसको पूरा पॉजिटिव लिया जाता है। अगर आपके घर पे लाइट का बिल आया है और आप जमा नहीं कराओगे तो क्या होगा, कट जाएगा। लेकिन जिसने नोटिस भेजा है कि भैया लाइट का बिल आ गया है, उसने क्या सोचा, आप सही टाइम पर बिजली विभाग में जाओगे या ऑनलाइन जाओगे और अपना बिल भर दोगे, राइट? बात समझ में आ रही है, ये बात है। देखिए तीसरा यहां पे कह रहा है एनी अजम्पशन दैट इज टॉकिंग अबाउट द सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर का मतलब क्या होता है, एनजीओ जो काम करती है सोशल वेलफेयर, बड़ी बड़ी कंपनियां जो सोशल वेलफेयर करती है, लोगों को कपड़े बांटने का, लोगों को खाना खिलाने का, लोगों की सेवा करने का, कंबल बांटने का, दैट इज कॉल्ड अ सोशल वेलफेयर। अगर कोई भी ऐसी बात हो रही है जो सोशल वेलफेयर पे है, या गवर्नमेंट अगर कोई भी स्कीम लेके आ रही है, कोई भी पॉलिसी लेके आ रही है, तो गवर्नमेंट हमेशा क्या सोचती है दोस्त, कि हाँ मैं ये जो मिड डे मील लेके आ रहा हूं इससे लाखों करोड़ों बच्चों को फायदा होगा, वो अच्छा हेल्दी खाना खा पाएंगे। गवर्नमेंट ये सोचती है कि मैं जो हाउस स्कीम लेके आ रहा हूं उसकी वजह से लाखों लोगों के पास, जिनके पास घर नहीं है उनके पास घर होगा। गवर्नमेंट ये स्कीम लेके आ रही है सिलेंडर के लिए, अगर कोई योजना लेके आ रही है, तो हां शायद जहां पे आज भी चूल्हा जल रहा है वहां पे अब चूल्हा नहीं चलेगा, वहां पे सिलेंडर गैस की यूज की जाएगी, ताकि लोग अब इस तरह की चीजों को छोड़ के अभी आधुनिक चीजों को यूज करें, राइट? तो यहां पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज की बात कर रहा हूं, सोशल वेलफेयर की बात कर रहा हूं। तो इस तरह के रिगार्डिंग सारे के सारे अजम्पशन क्या होते हैं दोस्त, पॉजिटिव होते हैं। तो गवर्नमेंट के रिगार्डिंग सारे एक्शन पॉजिटिव, सोशल वेलफेयर सारे रिगार्डिंग पॉजिटिव, राइट? आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 4, एनी अजम्पशन टॉकिंग अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर। देखो जो हो चुका है, जो होगा उसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, जो हो चुका है यू कांट चेंज, जो होगा यू ऑल्सो कांट चेंज, क्योंकि पता ही नहीं है कि क्या होगा आगे। सो अगर कोई भी ऐसा अजम्पशन जिसमें आपके भूतकाल के बारे में या भविष्यकाल के बारे में अगर कोई भी बात हो रही है, तो ये याद रखिएगा ऐसे सारे के सारे अजम्पशन से दूर रहना भाई, तू दूर ही रह। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे अजम्पशन क्या होंगे, गलत होंगे, वो सही नहीं होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ये 7 पॉइंट्स दिमाग में रख लो, सारा अजम्पशन क्लियर है, गारंटी से कहता हूं हर क्वेश्चन सही सॉल्व करोगे। लेकिन आपको बस ये पढ़ के सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा,
ठीक है। इसके बाद अगर हम पांचवें पॉइंट पे बात करते हैं, पांचवें पॉइंट क्या कहता है, अगर किसी भी अजम्पशन में कोई सजेशन दे रहा है, कोई ऑर्डर दे रहा है, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, तो सजेशन देने वाला बंदा, ऑर्डर देने वाला बंदा या रिक्वेस्ट करने वाले बंदा क्या सोच के ये चीजें करेगा। अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये वीडियो मैंने आपको बना के दिया है, तो मैं क्या सोच रहा हूंगा कि यार ये वीडियो जब बच्चों तक पहुंचेगा इन्हें इसका बेनिफिट मिलेगा। दे विल वॉच द वीडियो, उसके बाद जब वो क्वेश्चन लगाने बैठेंगे तो दे विल सॉल्व द क्वेश्चन करेक्टली, राइट। तो ये चीजें यहां पे कैसे आई, ये सजेशन के फॉर्म में आई। मैंने आपसे कहा यार इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, इसका मतलब क्या है, मैंने आपको सजेस्ट किया है वॉच दिस वीडियो। अगर आपके किसी दोस्त ने आपको वीडियो शेयर किया है, व्हाट ही इज थिंकिंग कि यार मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं, मैं सजेस्ट भी कर रहा हूं, वॉच दिस वीडियो यार, बहुत फायदा मिलेगा, राइट। तो ये अगर ऐसा कोई भी अजम्पशन होता है, कहने वाला बंदा और शेयर करने वाला बंदा ये बस हमेशा सोचता है सामने वाला बंदा इसको पॉजिटिव लेगा, राइट। इसके बाद आपका पॉइंट नंबर 6 आता है, रिमेंबर दैट रीस्टेटमेंट इज नेवर इंप्लिसिट। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आप लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपका स्टेटमेंट, मैं जो बात बोल रहा हूं बार बार वही बात बोलू, बार बार वही बात बोलू, ये कभी भी सच नहीं हो जाएगी, क्योंकि जो बोलूंगा एक बार भी वही होगी, हजार बार बोलूंगा तो भी वही होगी। तो रीस्टेटमेंट कभी भी आपका अजम्पशन का पार्ट नहीं होता, क्योंकि जो सोचते हो वो बोलते हो, और बोलने के बाद सामने वाला बंदा जो रिएक्ट करेगा, दैट्स कॉल्ड अजम्पशन। कि मैंने क्या सोचा, मैंने क्या बोला, सामने वाला क्या रिएक्ट करने वाला, दैट इज कॉल्ड कंक्लूजन। सामने वाले बंदे का रिएक्ट हमेशा कंक्लूजन होता है, राइट। इसके बाद कंपैरिजन इज ऑलवेज रॉन्ग। गाइस कभी भी याद रखना, लॉजिकल रीजनिंग में आप किसी भी दो सिचुएशन को, किसी भी दो रैंक को, किसी भी दो कंट्री को, किसी भी दो तरह की प्रॉब्लम्स को एक जैसा नहीं मान सकते हैं। तो अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरिजन रॉन्ग होता है। ये 7 पॉइंट्स याद रखिएगा, मैं बता रहा हूं, लॉजिकल रीजनिंग में अजम्पशन के सारे क्वेश्चन सही होंगे, गारंटी ले रहा हूं, ठीक है। ट्राई करिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अपने दोस्तों तक जरूर जरूर ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।